नीतीश जी थोड़ा सृजन के बारे में बताइए। आई हैव नो इंटरेस्ट कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की? 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी, बताइए। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव पहले से ही दोषी करार हो गए थे और आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का भी ऐलान कर दिया, उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप देखिए। क्या चीज कौन नीतीश जी बता रहे हैं? नीतीश जी थोड़ा सृजन के बारे में बताइए। आई हैव नो इंटरेस्ट, बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सृजन मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप सब लोग। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी, बताइए। 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। और नीतीश जी को बताना, हम देखिए बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं चोर दरवाजे के, तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए। आप जहां बोलिएगा तो आपका क्या भूमिका है अब हम जाना नहीं चाहते। इतिहास में कहां कहां क्या क्या भूमिका है डिटेलिंग हो जाएगी, मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते? 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना 1000 करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था जांच का? तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से, ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया, तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है उसको खत्म करके बीजेपी को खत्म करेंगे, और चीजें बोला एक बार फिर से। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए। अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आने वाले समय में लालू जी के चाहने वाले लोग या बिहार का हित जो चाहते हैं, देश का हित जो चाहते हैं, वो सब जो है भाजपा आरएसएस और नीतीश जी को पार्टी को जो है विलुप्त करके ही, राजनीतिक रूप से खत्म करके ही सांस लेने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव के इस मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और उन्हें भरोसा है कि उच्च न्यायालय में सजा को बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा और कहा कि सृजन घोटाले पर आखिर क्या हुआ, क्या सृजन घोटाले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरफ्तार हुए, उनको इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि लालू प्रसाद यादव को लेकर। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।